एक शर्ट लेके आया था मैं पुराना, इसको पहना ये देखो हरकत है, पहले सब चीज खाएगा ब्रो ना, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, पहना इसको। तो भाई इस मशीन में कलाकारी बताऊँ आपको, अभी पैडल से चला रहे थे ना, मशीन चल रही थी, अब इसमें की गिट्टी में वो खत्म हो गया धागा, तो गिट्टी निकाली, ये इसमें एक दे रखी जगह, ये देखो कैसे पागल हो रहा है ब्रूनो। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है ना, तो सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान रखना, एक तो कंसिस्टेंसी जरूरी है आपकी। तो भाई आज 3 दिन बाद अपन ने कैमरा हाथ में लिया, क्योंकि दार्जिलिंग से आने के बाद क्या है, तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे कैमरा हाथ में लिया नहीं, अब आज कैमरा हाथ में लिया है। अब आज मेरा प्लान था कि मैं मारुति की नई गाड़ी है जिमनी, उसका रिव्यू करने जाता नेक्सा के शोरूम पे, लेकिन थोड़ा मौसम बारिश का है और आलस भी आ रहा थोड़ा यार, तो सोच रहा हूँ कि कल देखें उसको। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन बनाएंगे ब्रूनो के कपड़े, क्योंकि पायल को तो आलस आता है ना, वो तो बिल्कुल आलसी है, ये तो बिल्कुल आलसी है, इसको बोल दिए कपड़े बनाने के तो सो जाऊँ। हाँ मैं तो सो जाती हूँ पहले आधे घंटे, फिर बाद में देखेंगे, इससे बड़े ब्रूनो कपड़े बनाओ, क्योंकि अभी ये कैसे रहता है ना, और बाहर आ रही बारिश, और हमारे क्या गार्डन है घर में, तो मिट्टी में होके आता है, पलंग पे चढ़ता है, सोफे पे आता है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो इसलिए इसको कपड़े पहनाएंगे अभी। कपड़े नहीं खोलेंगे, मतलब बाहर से आएगा करेंगे तो उसके एक तो बाल भी नहीं झड़ेंगे, अब इसके बाल झड़ते हैं तो सारे शर्ट पर बाल लग जाते हैं इसके, तो बाल भी नहीं झड़ेंगे, और ये अंदर बाहर से जाके आएगा ना, तो कपड़े झाड़ सकते हैं इसके, इसको तो झाड़ नहीं सकते, इसके फरी फरे गीला होता है पूरा, कपड़े झाड़ सकते हैं, और कपड़े में कीट भी लगेगा, तो अभी उसके देखते हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए काट कुटा के मैं ही बनाऊंगा, देखो अभी सिलाई की मशीन उतार के मैं बनाता हूँ अभी तो कपड़े इसको। आज बेटा ठान ली मैंने, रुनो आज तेरे कपड़े बनाया, तेरे को नंगा नहीं रहने दूंगा, तेरे को आज कपड़े बनाऊंगा, तेरे को मैं ही बनाऊंगा, तेरे कपड़ा मैं ही बनाऊंगा, मम्मा नहीं बनाएगी मैं बनाऊंगा, तेरी बोला ना मैं बनाऊंगा तेरे कपड़े, क्या हो गया पहले कपड़े बनाओ फिर चूमना मेरा, ठीक है जाओ चलो दूर चलो, चल तेरी ठीक भी बोरे दांत पहना होगा इसके भाई, भयंकर पहने, दर्द हो गया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं नहीं 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 मत करे, लेडीज थोड़ी हो, जेंटस है, जेंटस है ना तू, ये भयंकर जेंटस है तू भाई, अभी तो बच्चा है लेकिन बड़ा हो गया, हरकतें बड़ी होगी भूखा जेंटस है, भूखा जेंटस, और भर पंजे तेरे, ये देखो यार पंजे बहुत बड़े हो गए इसके यार, ब्रूनो तेरे हाथ ही काट दूंगा मैं, यहाँ यहाँ से तेरे हाथ काट दूंगा, करके चलना, समझ गया तेरे, तेरे को मैं बताऊँ चप्पल से तो भाई बहुत भयंकर लगता है इसको, एक तो चप्पल, एक परफ्यूम इसके आगे छिड़क दो तो, और एक हेयर ड्रायर, और एक मच्छर मारने का रैकेट, भयंकर डरता है। अभी देखो मैं आपको बताऊँ परफ्यूम से, तो मेरे हाथ में परफ्यूम है, ब्रूनो ये गया सीधे बाहर, गेट आउट, भग गया बाहर, निशान कर गया साला यार हाथ पे, बारिश तेज हो गई, और अंदर 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 इसको अंदर अंदर बारिश आ गई अंदर, इसको इसको बांध दो, बारिश तेज हो गई भाई, अभी देखो बारिश चालू हो गई, बारिश अब देखो मिट्टी मिट्टी हो रही है ना, मिट्टी में पूरा गंदा हो जाता है यार ये, और इसके पता हरकत क्या है, गाड़ी के उधर जाके बैठता है नीचे गीले में, आराम से गीले में बैठता, इसको बांधे से बड़े को, फिर इससे कपड़े बनाते हैं अपन। हम दुबई से जो चॉकलेट लेके आया था ना, वो बची हुई थी अभी कुछ, तो वो मैं खा रहा हूँ अभी, अभी देखते ख़राब हुई नहीं हुई, क्योंकि 1976 की चॉकलेट थे, स्टिकर लग रहा है इस पर, सिंस 1976, अब देखते हैं कैसी है, बढ़िया है गाइस, भाई छीली मैंने, खोली मैंने, मतलब खाओगे तुम, दुबई गए कौन से साथ, हाँ ये भी वाला बोलो, चौके बोलो चौके चौके चौके। अभी एक शर्ट लेके आया था मैं पुराना, इसको पहना ये देखो हरकत है, पहले सब चीज़ खाएगा ब्रो ना, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, पहना इसको, अरे फुल स्लीव्स को कैसे पहनाएगी इसको बेटा, तुम रुको जरा ये देख देख पहनना मुड़िया बट
देख रहे पैर खा गए मम्मी मेरे। अरे तू मुंह छोड़। कैसे दबा ली हुई ब्रूनो? फ्लीस कटेगी बिल्कुल। ये मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। चप्पल दिखा दे अभी तेरी बॉडी की बॉडी सु करेंगे। ठीक है। सु करा नहीं सकते क्योंकि सु बॉडी में दिक्कत आ रही है। हां तो खाली शक्ति रहेगी, खाली शक्ति रहेगी, ये शक्ति ना ये पूरा शक्ति रहेगी। पकड़ बुनो, पकड़ 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 चला जाओ पहले स्किन जीते पे सही लेता। रुक जा रुक जा बेटा रुक जा। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? तेरी छाती ना पक। रुक जा। 21 छाती 21 और आमूल आमूल ये हाथ ये भी नापते हैं ना। हाँ मैं बना के बताऊँ। वैसे मैं कपड़े कपड़े बंद कर साथ में मुंह बंद कर। ये वाली होती है ना यू। हाँ तो कहीं गया तू बता। चुपचाप से ना पहले फोन नहीं तो पिटिया का भी चप्पल तो देगी। चप्पल पड़ी बाहर ला देख। ये चप्पल बड़ी आदमी है समझ गया। चुपचाप ना पालो ना पाए तो वो पूरी साइज दे रहा था तो हाथ सीधा करके ये पड़िया ही करें। हाथों की लंबाई भी नाप लो प्लीज कर देंगे थोड़ी सी। 8 अच्छा और लंबाई हाथों की लंबाई हाँ स्लीव लंबाई तो 10 आ रही है। वैसे तो वैसे अपन 6 रखेंगे अपन 5 ही रखेंगे। हाँ और क्या नापने जल्दी बता दे बस। कुछ नहीं नापने का। गर्दन भी नापूंगा। गर्दन तो नापेंगे। गर्दन गला नहीं काट रहे अपन। गला वो ही रहेगा सेम। गला वही रहेगा। लटके हो नहीं साला। कपड़ा जब भी काटते हैं उसको फोर फोल्ड कर दें। ये मैंने उसको फोर फोल्ड कर लिया। अब फोर फोल्ड दो फोल्ड तो अरे एक कपड़ा आगे पीछे दो और ये दो चार फोल्ड हो गई ना। ओहो ठीक है हो गया आगे है ना। अब इसको इसको ब्रूनो हम कपड़े को देख रहे बीच कपड़े पे आके बैठ रहा मत काटो कर लिया। चप्पल से डर लगता। चल 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 रहा ना चल। चप्पल हाथ में लेके बैठो बैठो कर लिया। इसके उधर में खत्म नहीं हो रही यार। ब्रूनो बांध नहीं रहे इसको बांध नहीं देता हूँ आगे बंद बेटा। ला ला पकड़ा 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 पकड़ा। एक जादू का पिटारा देखोगे। इस मशीन में कुछ सामान है कहाँ होगा? Can you guess something? अच्छा अच्छा गैस करके बताओ कहाँ हो सकता है। कुछ सामान है। मैं बताऊँगा कैसे खुलेगा ये? ये दे रखा है ना बटन। 1 2 3 इट्स मैजिक। इट्स मैजिक। आई लाइक द वे यू मूव। पर्दे के उठते ही पर्दे बस कॉपीराइट के लिए मजा आएगा। ये सामान हम वापस इसी में रख दे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारे पास अपना स्वयं का सामान है। किसका स्वयं है? स्वयं अपना खुद का। ओके वापस इसको बंद कर देते हैं। ओके किसी को बता रहा मत ये जादू बिठा रहा है। ओके नाउ द स्टेप 1 अभी ये इसमें फिट करनी है। इसको वापस निकालना पड़ेगा। अभी एक और चीज खुलेगी। टन टन इसमें गिट्टी लगती है ना। इसमें गिट्टी बॉबिन सिटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉबिन सिटिल। बॉबिन सिटिल बॉबी। ये आवाज आई आप लोगों को?
ये आवाज आ गई कटेक, इसको वापस कर देंगे बंद, इसे भी कर देंगे वापस से। अब ये कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। अच्छा, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा, यहाँ, अच्छा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इसमें वापस नीचे जाएगा। वो पहले वाली सही थी, इधर लगाओ, इधर निकाल के नीचे ले लो सारा। अरे वो पहले वाली की तो बात लोहे की और दे दो, प्लास्टिक है तो भाई गिरते टूटेगी। तो जो काम ये करती है वो नहीं करती थी। अब वो तो फीचर्स तो आएंगे ना। इट्स अ ड्रीम मशीन। मिलते हैं आपसे धागा लगाने के बाद, टाइम लगता है। ये पैडल है भाई, इसका पैर से चलाने वाला पैडल मशीन, और ये हैंड वाला है, लेकिन इसको आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले तो वो वाला होता था ना, ऐसे घुमाने वाला। वो हमारे जमाने की बात है। तुम्हारे जमाने की, तुम्हारी मम्मी के जमाने की बात है। नहीं, वो जमाना मैंने भी जिया है। आई लव दैट एरा। मैं भी जिया हूं। चलो चली मशीन चली। लेकिन धागा कहां कर रखा है तुमने? ये देखो, नॉर्मल सिलाई के तीन धागे हैं, ए बी और सी। अभी हम सी पे चलाएंगे। सी पे क्यों? डी ई एफ। सी पे नॉर्मल, थोड़ी बड़ी सिलाई, जो बी पे छोटी सिलाई, ए पे बहुत बारीक सिलाई, जो खुद ही बन रही बिल्कुल ऐसी। हाँ, और ये डी पे दिख रहा है आपको, डी ई एफ, ये तीनों जिगजैग वाली, और इससे पीको भी हो सकती है। ओह, साड़ी में जो पीको होती है, बस इससे आगे बच जाओगे कि मैंने चलाई नहीं उससे। चलो ये वाला अपन किस पे कर रहे हैं, डी पे। पैसा में इतना ही मिलेगा, तो भाई इस मशीन में कलाकारी बताऊँ आपको। अभी पैडल से चला रहे थे ना, मशीन चल रही थी, अब इसमें क्या गिट्टी में वो खत्म हो गया धागा, तो गिट्टी निकाली। ये इसमें एक दे रखी जगह, यहाँ पे गिट्टी लगाओ और ये बाहर निकालो, ये निकल के बाहर, अभी तभी घूम रहा ना, इसमें गिट्टी लगा के अपन धागा भर सकते हैं डायरेक्ट है। ये सिस्टम सही है। अब भर के बताइए, देखो पहले पहले गिट्टी पे लगाएंगे अपन धागा, और फिर गिट्टी लग जाएगी इसके ऊपर, उसको इधर कर देते हैं और धागा भरना। फास्ट भर रहा है, तो पैर से दबा दिया, सही काम आएगा, भर गया, भर गया, जितना बनना था उतना भर गया। ये सिस्टम सही है। तो भाई अभी आपको दिखाते हैं ब्रूनो के हमने कपड़े बनाए, थोड़े ढीले हैं लेकिन अभी फिटिंग करेंगे, ये खाली ट्रायल दिखाते हैं मैं आपको। इसे घूंघट भी लगा सकता है, इसे छोड़ना है पर नीचे छोड़ना है। तो खा गया इसका पायदान, दे पायदान ब्रो, देखो कपड़े देखो कैसे लगे फकीर। उसकी आस्तीन बहुत बड़ी लग रही है भाई, पकड़ लिया। इसलिए बोल रही स्लीवलेस बनाओ, मस्त लगेगा। स्लीवलेस ही बनानी पड़ेगी इसको, अभी तो उसको कटिंग करनी, पीछे भी छोटा करना है, टाइट भी करना है, इसको अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा है, सूसू करने के लिए सोचेगा क्या करूं, सूसू कर रहा है ये कपड़े के लिए लेंगे इसको, अभी सही करते हैं इसको। आजा ब्रूनो, चलो दे दे भाई इसके। ब्रूनो के कपड़े बन गए थे, मैं दिखाना भूल गया, मैं सो गया था। कपड़े तो बन गए लेकिन इसके कपड़ों में क्या है, बाथरूम करते हैं गीले हो गया था वो टी शर्ट, तभी एक जुगाड़ बनाया। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कैसे पागल हो रहा है ब्रूनो। एक छोटी बना था इसकी टी शर्ट के पीछे, देखो ये देखो खड़ा हो गया। क्यूटी पाई ब्रूनो, तेरे मुँह में नहीं आएगी बेटा छोटी, अरे खड़ा तो होकर दिखा, एक बार सब देख रहा ब्रूनो, इसको देखो अभी खड़ा करता हूँ। अब देखो हेलो ब्रूनो, अदनंगा छुप गया भाई शर्म के मारे। अब देखो मैं कितना प्यारा लग रहा है, छोटे बच्चे मैं बच्चू, ये देखो पूरे कपड़े देखो उसके। ब्रूनो बहुत बड़ी फिटिंग आई है इसकी, स्लीव से हमने काट दी इसकी, अब इसका नीचे का तो कुछ बना नहीं सकते क्योंकि सूसू पोटी करेगा तो कपड़ों में कर देगा, वरना इसको डायपर पहनाना पड़ जाएंगे, और डायपर चेंज कौन करेगा, पायल करेगी। मुझे माफ करना। नहीं ऐसे सही लग रहा है, बहुत इतना
ये भी हमने इसलिए बनाया क्योंकि इसके क्या बाल भी झड़ते ज़्यादा, और अभी बारिश के मौसम में गीला होके आता है बार बार, तो अब गीला होके आएगा तो उसके शर्ट उतार देंगे, मतलब तो दिक्कत नहीं आएगी फिर। बाकी अभी हमने क्या है इसके पीछे एक पोनी बना रखी है, तो पोनी हमने अंदर कर दिया, अभी पोनी खा रहा था बार बार ऐसे राउंड राउंड घूम रहा था, तो वो तो हमने अंदर कर दिया अभी इसकी। इसके जितना शैतान कुत्ते नहीं देखा होगा तुम लोगों ने। बच्चा है तो यार भाई इतना शैतान है बच्चा, बच्चे की टैग मत दो इसको, उद्धमबाजी इतनी है इसको, बटके खाका के आधे कर। हाँ बटके भाई बहुत खाता है ये, हमारे कमरे में दो पैदान थे, एक तो फाड़ दिया, उसके बाद एक लग भी फाड़ दिया, अब तीसरा ये फट नहीं रहे, फट नहीं रहे, बहुत बार देख लिया। ये तो छोड़ो हमारे रजे फाड़ दिया, इसमें छेद कर रखा है बहुत सारे ऐसे पैर की उंगलियां से बाहर आ जाती गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुने, रात को सोते ना पैर की उंगलियां से टक बाहर क्या करे, लेकिन हम सोचे कोई बात नहीं चलने दो अभी तो, इसने हमें कोई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, ये इतना बदमाश है। और ऐसी जगह तो सुसुपोटी करते जाके यार, ऊपर छत पे दो छत बनी हुई है हमारे, छोटी वाली छत पे क्या एक वो छज्जे टाइप बना हुआ है, जैसे बाहर का आराम दिखता है, वहाँ बैठेगा आराम से पोटी करेगा, और वहाँ से खड़े खड़े तमाशे देखेगा सड़क के। हाँ रास्ता देखता ऊपर से, ये हमने ब्रूनो के लिए चद्दर लगा था कि सोफे पे, क्योंकि क्या इधर गेट पे बांधते हैं ना उसको, तो इधर छड़ छड़ के देखते बार वो तो फट जाता है सोफा, मतलब फट नहीं जाए इस चक्कर में लगा रखा है, क्योंकि थोड़ा सा क्या नीचे से पंजा मार चुका वो, इसलिए हमको डर लगता है, इसलिए हमने लगा रखा। अब आपको दिखाते हैं ऑरेंज मौसम, इधर कैसे ऑरेंज मौसम, ओए ब्रूनो मूड दिया, टी शर्ट गिरी नहीं है बेटा तेरी, मौसम देखो बिल्कुल ऑरेंज बढ़िया लग रहा। एक चीज़ अच्छी है इसकी, लेकिन जहाँ पे टॉयलेट करता है ना मैं उसमें पैर भी नहीं रखता दोबारा जाके, ये चीज़ सही है इसकी। बाकी एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, देखो सोफ़ा कैसे फाट रखा है ना हमारा, क्या हालत कर रही है इसकी देखो पूरा सोफ़ा खत्म, ये बैठ गया, ये जगह उसकी परमानेंट होगी सोफे का, ये फाड़ दिया देखो, ये देखो पूरा घर का नुकसान कर रखा है इसके चक्कर में, हमने ये दो चीज़ ऊपर रख रखी मोटरसाइकिल पे। ब्रूनो तेरी धूश, छत पे चलेंगे आ जा, मैं इस वाली दुशक्ति की बात कर रहा था, यहाँ पे बैठ जाता है और देखता रहता है रास्ता। चलो चलो चलो, मतलब बच्चे वो हो गए बेटा देखो, देख के सारे बच्चे बोल रहे ब्रूनो कपड़े पहना दिए आज, कपड़े पहना दिए सामने से सारे बच्चे बोल रहे ब्रूनो को कपड़े पहना दिए आज, कपड़े पहना दिए। तो भाई कभी कभी क्या ऐसे मूड रहता है कि ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता, जब से मैं दार्जिलिंग से आया दो दिन से तबीयत खराब हो रही है, और आज थोड़ा मूड भी ऐसा था कि वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन क्या है अगर आपको सक्सेस होना है ना तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है किस चीज़ में। अब YouTube पे अगर आप कंटिन्यू डालोगे ब्लॉग तो आपके इंप्रेशन रेट और सीटीआर रेट सही रहती है, अगर आप मिस करोगे ज़्यादा तो वो इंप्रेशन डाउन हो जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है। और अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है ना तो सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान रखना, एक तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है आपकी, दूसरी चीज़ आजकल क्या है हार्डवर्क चलता नहीं है, आजकल चलता है इंटेलिजेंट वर्क। पहले लोग क्या करते थे मेहनत करते थे, लेकिन आजकल मेहनत कम चलती है और इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा सफल होते हैं। उसका रीज़न ये है कि अब आप जो भी काम करो ना पहले किसी को बताओ मत, जब तक आपको श्योरिटी नहीं हो कि वो काम पूरा होगा नहीं होगा, अगर आपको पता है वो काम पूरा होगा तभी लोगों को बताओ। ब्रूनो बात करो ना, वरना आप पहले हमेशा काम करो उसके बाद बताओ दूसरों को कि मैंने ये काम कर लिया है। अब से हम भी ये करेंगे कि ब्लॉग पहले नहीं बताएंगे हम क्या करने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट सरप्राइज करेंगे, डायरेक्ट वो वाला ब्लॉग लेके आएंगे जब जिस दिन हम वो काम कर रहे हैं। रुक जा मेरे भाई रुक जा, पहले सस्पेंस नहीं खोलेंगे, क्योंकि पहले अगर कोई चीज़ बताया था ना तो वो चीज़ पूरी नहीं होती। अब हमारे एक दो प्लान हैं आगे के, वो मैं आपको पहले बताऊंगा नहीं, जब पूरे हो जाएंगे या मुझे श्योरिटी हो जाएगी वो होने वाले हैं काम, उसके बाद ही मैं बताऊंगा, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लान हैं हमारे और आगे के। मेरे पीछे देखो तमाम सीन आ रहा टीप, तो इसके बाद आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं, और ब्रूनो को देखो तमाम मस्ती सो रहा है, अभी सो नहीं रहा मतलब रक्षा कर रहा है हमारे कमरे की, देखो अरे खड़ा हो गया अभी बिल्कुल लेटा हुआ था गेट के बीच में कोई बात नहीं, चल बाय बाय करो ब्रूनो, बाय बाय करो, इसको ड्रेस पसंद आ गई भाई इसकी, हाई फाई, हाई फाई, चल बाय बाय।